Dear students, you are most welcome in today's video. And in this video, we will study about the IUPAC nomenclature of hydrocarbons. Most important, uh, I would like to tell you earlier in this video. We talked about what are the hydrocarbons? How we classify the different types of hydrocarbons. Means uh, वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ये हम लोगों ने सीख लिया था इसे पहले वाले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं तो यू बने रहिए योर मोस्ट वेलकम नाओ इन नॉमन क्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन नॉमन क्लेचर इज द वर्ड रूट एंड सफिक्स वर्ड रूट का मतलब ये होता है कि जहाँ से नाम की स्टार्टिंग होती है वो हो जाता है वर्ड रूट ओके रूट का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं ना वहीं से देखो जितना न्यूट्रिशन है वो सब पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराना यानी प्लांट अगर फ्लरिश करना चाहता है तो ज़रूरी है कि उसकी रूट्स में एंकोरेज पावर हो और वो सफिशियंट मिनरल्स वाटर सप्लाई ये प्रोवाइड कराता रहे एक नॉर्मल प्लांट के लिए राइट right. सिमिलरली यहां पर भी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम एक आई नाम लिखने जा रहे हैं तो वी मस्ट नो दैट वॉट इज द वर्ड रूट एक वर्ड जो लिखने जा रहे हैं ना नाम का मतलब है कुछ वर्ड्स को लिखना ठीक यहां पे है वर्ड रूट मतलब कहीं से तो स्टार्टिंग करेंगे तो जहां से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं वर्ड रूट और ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन फॉर नॉमन क्लेचर सो अस टॉक अबाउट वर्ड रूट हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स with respect to this number of carbon atoms we have the word root if the number of carbon atom in any of the compound is 1 then with respect to this number of carbon atom we write the word root meth or agar मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास है टू तो इसके लिए जो वर्ड रूट हम लोग यूज करेंगे वो होगा एथ और अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इज थ्री तो वर्ड रूट इज प्रोप और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम फोर है तो इसके लिए वर्ड रूट आएगा ब्यूट इसको लिखते बी यू टी है बट हम इसे पढ़ेंगे ब्यूट ओके प्रोनाशिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दिस इज कॉल्ड प्रोनंशिएटेड एज ब्यूट नाउ इफ आई राइट कार्बन नंबर फाइव देन फॉर दैट वी राइट पेंट ठीक और अगर कार्बन का नंबर सिक्स है इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सिक्स तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स और अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेवन है देन हेप्ट। फॉर कार्बन नंबर एट वी यूज ऑक्ट फॉर कार्बन नंबर नाइन वी यूज नोन ओ एन लिखेंगे बट वी प्रोनाउंशिएट इज प्रोनाउंशिएशन का जो होगा वो नोन होगा नाउ इफ इट इज टेन तो वी राइट डेक ये आपको याद कर लेना है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वर्ड रूट है फर्दर इसको हमने यहां पे कंटिन्यू कर दिया है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इट इज इंक्लूडेड इन द सेम सो हियर आई हैव रिटर्न फॉर कन्वीनियंस नाउ दिस इज द वर्ड रूट तो कम से कम आपको टेंथ लेवल पे इन टेंथ तक के वर्ड रूट क्लियर अगर हैं तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं आप आराम से निकल जाएंगे आपकी जर्नी अच्छी रहेगी इसके बाद में बात आती है कि हम अब वर्ड रूट तो सेलेक्ट कर लिया हमने फिर नाम को आगे कैसे बढ़ाएं तो हम लगाएंगे सफिक्स सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड रूट के बाद में लगने वाला वर्ड है दैट इज कॉल्ड सफिक्स तो सफिक्स कैसे पहचानेंगे सफिक्स पहचानने में हमारी हेल्प करता है जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन था वो हमारी बहुत हेल्प करता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सफिक्स तो देखो सफिक्स कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे इनको लिखते हैं एक अभी देखते हैं इसको सपोज हमने ये पहचान लिया कि गिवन कंपाउंड जो है दैट बिलोंग्स टू एलकेन को जो गिवेन कंपाउंड है वो एलकेन को बिलोंग करता है ठीक तो वी कैन राइट सफिक्स इफ द हाइड इफ यू फाउंड दैट देर इज कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द गिवेन हाइड्रोकार्बन चेन अगर आप कार्बन और कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड पा रहे हैं इसका मतलब है ये क्या हो गया इसे हम एल्केन बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एलकेन ओके अब सवाल ये है कि अगर एक कार्बन हो फिर तो अगर एक कार्बन गिवन है तो यू सी दैट ऑल द वैलेंसीज ऑफ दैट कार्बन आर सेटिस्फाइड ओके अगर वैलेंसीज फोर वैलेंसीज कार्बन की हैं वो सेटिस्फाइड हैं and uh, it follow the general formula सी एन एच plus एन ठीक तो बेशक उसको हम एल्केन ही ट्रीट करेंगे ठीक तो ये हो गया एलकेन फॉर एलकेन दिस इज फॉर एलकेन नाउ वी से फॉर एलकेन वी यूज द सफिक्स अब देखो सफिक्स कौन सा यूज करने वाले हैं हियर वी हैव एन तो एन बिकम द सफिक्स यहां पर सफिक्स क्या बन जाएगा सफिक्स हो जाएगा एन दिस एन इज द सफिक्स एन सफिक्स हो जाएगा राइट right? अब अगर मान लो कि यहां पे जो हाइड्रोकार्बन गिवन है वहां पे कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है एटलीस्ट एक जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कार्बन चेन में तो हम उसको मानेंगे एल्कीन ये हो जाएगा एल्कीन और इस एल्कीन में जो सफिक्स हम लोग लगाएंगे अगेन आप देखिए इन ए एल के ये तो कॉमन है ना सभी में तो आप इसकी तो परवाह ही मत करिए आप ये देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है इन तो यहां पे जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा इन सो so, इसको ये सफिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं दीज आर सफिक्स ऑफ द करेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन दीज आर द हाइड्रोकार्बन टाइप hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन टाइप uh, Hydrocarbon तो अगर एल्केन है तो सफिक्स एन लग जाएगा एल्कीन है तो इन लग जाएगा और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो हम इसको बोलते हैं एल्काइन तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहां पर सफिक्स क्या होगा आइन होगा वाई एन ई आइन तो इसको हम लोग सफिक्स बोल देंगे आइन नाउ द क्वेश्चन है कि भाई क्या इतनी चीजों से हमारा आई यू पी एस कंप्लीट हो जाएगा हाँ कंप्लीट तो नहीं कह सकते अभी कंप्लीट नहीं होगा इससे हाँ लेकिन हम लोगों ने कुछ जर्नी तय कर ली है टुवर्ड्स द राइटिंग ऑफ आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट इज हाइड्रोकार्बन के अभी हमने शुरुआत की है इसको देखिए नेक्स्ट अब पार्ट आता है कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जाए एल्केन के लिए ठीक देखो एल्केन का एक कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं और हम उसका नाम कैसे लिखेंगे एल्केन में हमें टू टाइप्स के एल्केन्स मिलते हैं वन इज कॉल्ड द अनब्रांच्ड एल्केन अनदर इज कॉल्ड ब्रांच एल्केन कौन कौन सा टाइप मिलेगा ब्रांसड एल्केन और अनब्रांसड एल्केन तो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर ऑफ एल्केन तो हमने यहां पे देख लिया है एल्केन अब एलकेन में भी दो टाइप्स हैं हियर वी हैव अनब्रांच अनब्रांच का मतलब है कि जिसमें ब्रांच नहीं है ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि ब्रांच किसे कहते हैं अनब्रांच और ब्रांच्ड ब्रांच्ड एल्केन ये अनब्रांस्ड हो गया और ये हो गया ब्रांसड एल्केन ठीक तो सबसे पहले आप देखिए एल्केन्स के लिए फॉर एल्केन्स तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अनब्रांस्ड एल्केन के केस में व्हाट शुड बी द रूल फॉर आई ओ पी एस सी तो आई ओ पी एस सी का रूल क्या होना चाहिए आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई नॉम क्लेचर में अच्छा एक बात ये देखिएगा हम बार बार बात कर रहे हैं आई यू पी ए सी लेकिन इसका फुल फॉर्म और कुछ तो डिस्कस किया नहीं गया हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया हम ये मान के चल रहे थे कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी चलो फिर भी कोई बात नहीं इसको रिवाइज कर लेते हैं आई यू पी एस सी आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यू स्टैंड फॉर यूनियन पी स्टैंड फॉर प्योर ए स्टैंड फॉर प्योर एंड ए स्टैंड फॉर एप्लाइड सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ये हो जाता है आई यू पी एस सी का मीनिंग चलो कंटिन्यू करते हैं अनब्रांसड एलकेस के लिए तो अनब्रांच एल्केन का मतलब है कि कहीं पर कोई ब्रांचिंग नहीं है बस एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है हमें उसी का नाम लिखना है जैसे एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं देखो सी एच फोर जिसका हम लोगों ने नाम पढ़ लिया है इससे पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं सी एच फोर का कार्बन नंबर इज वन एक है कार्बन का नंबर तो इसके लिए हो जाएगा मेथ राइट right? एल्केन को बिलोंग करता है बिकॉज इट फॉलो सी द जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू तो इसका नाम हो जाएगा मैथ हम लोग क्या लिखेंगे इसमें मैथ लिखेंगे math. ये हो गया हमारा वर्ड रूट अब इसमें सफिक्स क्या लगा देंगे एन लगा देंगे एन क्यों एल्केन है इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया मीथेन मीथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सो if i talk about the second compound suppose it is given cs3 cs3 what do we call it ise hum log kya bolenge ye ho jata hai ethane this is called ethane why eth kyun kyunki yahan pe two carbon atoms hai aur dono carbon atom ke beech mein single bond hai देखने पे ये लग रहा है कि भाई ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में bond है But ऐसा है नहीं होता है कार्बन और कार्बन के बीच में bond ये इसलिए लिख दिया गया है ताकि हम थोड़ा सा आ, इसको अवॉइड कर सकें कुछ चीज़ों को क्योंकि हम करेक्ट बॉन्डिंग टू डायमेंशन में नहीं बना सकते तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं समटाइम्स आपने देखा होगा एच पहले लिखा होता है एच थ्री सी लिखा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे सी एच थ्री देन सी एच थ्री एथ बिकॉज टू कार्बन है एन क्योंकि ये एल्केन का मेंबर है नाउ द नेक्स्ट वन अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इससे थोड़ा हायर मेंबर्स में जाएं देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है सी एच थ्री वी कैन राइट सी एच टू सी एच थ्री नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम वन टू एंड थ्री वी कॉल इट प्रोपेन इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं प्रोपेन प्रोप वाई थ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट नाउ सफिक्स इज एन सफिक्स इसमें हम लगा रहे हैं एन ये, तो नाम हो गया इसका प्रोपेन ठीक ध्यान रहे यहां पे बीच में कोई गैप नहीं देना है ये वर्ड रूट और सफिक्स ये अलग अलग शो हो इसलिए हमने ये डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं रेड यूज किया है वर्ड रूट के लिए सफिक्स के लिए ब्लू कलर यूज किया है राइट तो प्रोपेन हो गया नाउ द फोर्थ वन इज अब अगर हम एक और कंपाउंड की बात करें तो पता चलता है दिस इज सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री हियर वी आर गिवेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वन टू थ्री एंड फोर देर आर फोर कार्बन एटम्स एंड ऑल द कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ठीक इसका मतलब दिस इज द मेंबर ऑफ एल्केन अब अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो नाम कैसे लिखा जाएगा तो देखिए इसमें वर्ड रूट क्या आएगा ब्यूट टेबल से देख सकते हैं हम लोग ब्यूट तो यहां पे लिख दीजिए ब्यूट अब एलकेन का पार्ट है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा एन लग जाएगा एन ई ब्यूटेन दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन अरे हाँ एक चीज और देखो कि भाई जैसे यहां पे आते ना प्रोपेन और ब्यूटेन फ़ौरन दिमाग में हिट करता है कि हाँ ये तो कहीं पढ़ा हुआ था एल के कंपोजिशन में पढ़ा था आपने कि एल पी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एल जो डोमेस्टिक फ्यूल की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं किचन में खाना बनाने के लिए तो ये है हमारा एल तो एल में कौन कौन सी गैसेस होती हैं देखना यहाँ है पर प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ एल पी जी इज़ द मिक्सचर ऑफ वॉट प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों का कोई भी इस्मेल नहीं है दे आर ओडरलेस इनमें कोई स्मेल नहीं है बट लीकेज होता है अगर तो हमें फ़ौर पता चल जाता है कि गैस लीक कर रही है तो इसके पीछे कौन क्या रीजन हो सकता है तो इसके पीछे का रीजन है एक कंपाउंड जिसको हम लोग इथाइल मर्केप्टन कहते हैं और उसका फार्मूला होता है सी टू एच फाइव एस एच इस कंपाउंड को ऐड कर दिया जाता है इसी में ये प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस इथाइल मर्केप्टन और ये पूरा बन जाता है एल पी जी ये ये पूरी इंफॉर्मेशंस जो हैं ये ये चीज़ें मिला दें इथाइल मर्केप्टन बोल रहे हैं इसको इसे अगर हम मिला देते हैं तो एक करेक्टरिस्टिक स्मेल आने लगती है हमें पता चल जाता है कि लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है और एक ये फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है तो बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे फ्यूल का भी एक हिस्सा बन गए ठीक तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू राइट द आई नेम ऑफ द कंपाउंड्स विच हैव द ब्रांचिंग कहीं पर ब्रांचिंग है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू